जिसके समक्ष विद्यमान है यह ललिता घाट। मत्स्य पुराण में तीर्थों की चर्चा के अवसर पर ललिता तीर्थ का वर्णन हमें प्राप्त होता है। साथ ही साथ स्कंद पुराण के काशी खंड में भी जहाँ नव दुर्गा घाटों का वर्णन होता है वहाँ भी ललिता घाट का नाम अंकित है। जहाँ क्षेत्र रक्षा करने वाली दुर्गा रूपी ललिता गौरी का निवास है, जिनकी सभी श्रद्धालु सर्व प्रकार संपत्ति लाभार पूजा अर्चना करते हैं। इस घाट की सबसे विशेष बात यह है कि यहाँ शिव के साथ शक्ति के दर्शन भी श्रद्धालुओं को मिलते हैं। घाट के ऊपर गली में मां दुर्गा को समर्पित देवी ललिता का मंदिर विद्यमान है। साथ ही साथ यहां काष्ठ एवं ईंट से बना राज राजेश्वर मंदिर भी स्थापित है। भगवान शिव को समर्पित काशी में यह मंदिर नेपाल के पशुपति मंदिर का प्रतीक रूप है। वर्तमान में सुशोभित यह ललिता घाट पूर्व में तीन भागों में विभक्त था। दक्षिण दिशा की ओर से चले तो नेपाली घाट, ललिता घाट एवं राज राजेश्वरी घाट। इनका उल्लेख सन 1921 में मोतीचंद जी ने किया। जहां नेपाली घाट एवं ललिता घाट के पक्के निर्माण का श्रेय नेपाल के महाराजा बहादुर शाह को जाता है, तो वहीं राज राजेश्वरी घाट के निर्माण का श्रेय सिद्ध गिरी जी को जाता है। कालांतर में नेपाली एवं राज राजेश्वरी घाट ललिता घाट में ही समाहित हो गए। ऐसी मान्यता है कि अश्विन मास की कृष्ण तृतीया के दिन ललिता तीर्थ में स्नान कर देवी के दर्शन करने से श्रद्धालुओं की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सुरक्षा प्रदान करते हैं। ब्रह्मांड के स्वामी
एवं वाराणसी के भगवान श्री विश्वनाथ की हम पृथ्वी पर अपनी दृष्टि डाली तो उन्हें एक भाग चमकता हुआ प्रतीत हुआ। उसी भाग को भगवान शिव ने काशी का नाम दिया। कालांतर में गंगा नदी के तट पर बसी इस काशी नगरी में समय समय पर अनेकों घाट विकसित हुए, जहां श्रद्धालु आकर पूजा अर्चना एवं स्नान किया करते थे। माना तो यह भी जाता है कि यह नगरी एक बहुत सुंदर वन से ढकी हुई थी, जहां पीपल, आम, बरगद, शीशम आदि के वृक्ष हुआ करते थे, जिनकी छाया में बैठ ऋषि मुनि साधु संत आनंद से तपस्या किया करते थे। इसलिए इस जगह का उल्लेख आनंद वन के नाम से भी किया गया है। जितनी पुरानी काशी नगरी है उतना ही पुराना यहाँ का काशी विश्वनाथ मंदिर भी है। भगवान शिव को विश्वेश्वर, विश्वनाथ आदि नामों से भी संबोधित किया जाता है, जिनका अर्थ है संपूर्ण विश्व के स्वामी। किंवदंतियों की माने तो सृष्टि के आदि में जब भगवान शिव एवं मां पार्वती पृथ्वी का भ्रमण कर रहे थे, उन्हें यह स्थान बहुत प्रिय लगा। तब मां पार्वती को यहाँ कुछ समय रहने की इच्छा हुई तो भगवान शिव अपने लिंग रूप में यहीं स्थापित हो गए। तभी से 12 ज्योतिर्लिंगों में इस मंदिर को विश्वेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाने लगा, जहां भगवान शिव और माता पार्वती सदैव वास करते हैं। सदियों से इस पवित्र नगरी ने अनेक ऋषि मुनियों, तपस्वियों, धर्म गुरुओं आदि को अपनी ओर आकर्षित किया है। आदि शंकराचार्य एवं मंडन मिश्र ने इसी मंदिर के प्रांगण में बहुत समय व्यतीत किया। समय बदला, दौर बदला, भारत के स्वर्णिम काल पर विदेशी आक्रांताओं की नजर पड़ी, जिसे वे लूटने एवं सनातन संस्कृति को नष्ट करने के उद्देश्य से यहाँ आए। जब प्रथम बार गौरी ने आक्रमण किया तब पृथ्वीराज चौहान ने उसे पूरी तरह पराजित किया था। अंत में उसने क्षमा मांगी और वचन दिया कि ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं होगी। अतः पृथ्वीराज चौहान ने उसे छोड़ दिया। संभवतः यह एक दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय था, क्योंकि अंततः गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को धोखे से हराया। तत्पश्चात उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया तथा उनकी दोनों आंखें भी निकाल दी। पृथ्वीराज की मृत्यु के उपरांत हिंदुओं का मनोबल कमजोर पड़ गया, जिसके परिणाम स्वरूप आततायियों ने अन्य मंदिरों के साथ साथ विश्वनाथ मंदिर को भी क्षति पहुंचाई। यह ऐसा काला दौर था जिसके स्मरण करने मात्र से आंखें नम पड़ जाती हैं। परंतु समय सदा एक सा नहीं रहता और दुख के ये बादल भी सुख में बदलने वाले थे। एक धार्मिक सम्मेलन में राजा टोडरमल की भेंट नारायण भट्ट से हुई। नारायण भट्ट एक बहुत धनी व्यक्ति थे। दोनों ही धार्मिक इंसान थे और नित्य प्रति भगवान की पूजा अर्चना करना अपना परम कर्तव्य समझते थे। दोनों ने काशी विश्वनाथ के इस पावन मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया और वीरान पड़े खंडहरों में एक नई जान डाल दी। 16वीं सदी में संत तुलसीदास ने यहाँ रामचरितमानस की चौपाइयों को पढ़ा था तथा संत एकनाथ ने भी यहीं पर वारकरी संप्रदाय का महान ग्रंथ श्री एकनाथी भागवत लिखकर पूरा किया था। लगभग 17वीं शताब्दी के मध्य में मराठा शासक मल्हार राव होलकर ने काशी विश्वनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की योजना बनाई। ये कार्य वे तो नहीं कर पाए,
परंतु उनकी पुत्र वधु अहिल्याबाई होलकर जी ने इसे सन 1776 से 1778 के बीच पूरा किया। वर्तमान काशी विश्वनाथ मंदिर निर्माण का श्रेय अहिल्याबाई होलकर जी को ही जाता है। इनके अलावा महाराजा रणजीत सिंह ने 1000 किलो शुद्ध सोने से निर्मित छत्र को इस मंदिर पर लगवाया, जहां ग्वालियर की महारानी बैजाबाई ने ज्ञान बाबी का मंडप बनवाया, तो वहीं नेपाल के महाराजा ने यहां नंदी की प्रतिमा स्थापित करवाई। सनातन संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए जिससे जो बन सका उसने वैसा किया, और वर्तमान में भी यह क्रम देखने को मिल रहा है। सन 2022 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यीकरण करवा इसके स्वर्णिम काल को फिर से एक बार जीवंत करने का प्रयास किया। भगवान शिव को समर्पित काशी विश्वनाथ का यह पावन मंदिर सदियों से करोड़ों श्रद्धालुओं का प्रेरणा स्रोत रहा और सदैव के लिए रहेगा। I'm